Welcome to the CAD designer. In this video I am going to explain the methods to create the tooling direction. So there are four methods: inertia method, line normal to the surface, then trial and error method, and tooling direction creation with the help of feature. Mainly जब भी हम CAD test के लिए जाते हैं और RFQ stages में भी बहुत बार हमको tooling direction खुद को ही find करना होता है. सो ये वीडियो में मैं चार मेथड एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप इजीली टूलिंग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो. सो पहली मेथड है इनर्शिया मेथड. टूल डायरेक्शन क्रिएशन, सो पहला मेथड है इनर्शिया मेथड. तो इसमें विद द हेल्प ऑफ मेजर इनर्शिया सिलेक्शन में हम हमारा ए स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं और विद हेल्प ऑफ क्रिएट ज्योमेट्री जो स्टाइल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वहाँ पे एक्सिस सिस्टम क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो पॉइंट और एक्सिस सिस्टम हमको मिलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वहाँ पे एक पॉइंट और डायरेक्शन से एक लाइन क्रिएट करके जो गिवन स्टाइल है हमारा ये उसका ड्राफ्ट एनालिसिस चेक करते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम ये फर्स्ट मेथड होता है जब भी हम किसी कैट टेस्ट के लिए जाते हैं. अगर लकीली ए सर्फेस क्लियर हो जाता है विद इन 5 मिनट सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द कैट टेस्ट. सो हम ड्राफ्ट एनालिसिस कमांड को एक्टिवेट करके कंपास को मेन टूलिंग पे सेट करेंगे. और हमारा जो स्टाइल है उसको चेक करेंगे. सो जो गिवन स्टाइल है ये टोटली क्लियर है इन मेन टूलिंग डायरेक्शन जो हमने इनर्शिया मेथड से क्रिएट किया है. सो जो टूलिंग क्रिएट किया है हम उसके ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेल अस ऑन catdesigner200@gmail.com. ऑल्सो यू कैन कनेक्ट अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. थैंक यू.